हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम अपने वाइट ड्रैगन को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो आज उसको थोड़ा क्लियर करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ईजिली मैंने कल इसको धोया बहुत अच्छी तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत दिनों से मैंने इसको धोया नहीं था, तो इसको क्लियर करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो साइड लाइट बार है ये ख़राब हो चुकी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको क्लियर करने की। मैं एक बार जा चुका हूँ अपने फ्रेंड के साथ इसको सही करने के लिए, डाक बंगला चौराहे के कुछ आगे कुछ मार्केट्स हैं। सो वहाँ मुझे कुछ महंगे पड़े, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने ये न्यू ऑर्डर किया है। 200 के आसपास में ये मिल गई मुझे, 217 के आसपास में। अभी शायद इसकी रेट बढ़ गई है, इसके बाद मैं कुछ और नया चेंज करूँगा। तो यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये 3 वायर है, तो 3 वायर को तो मैं चेंज कर दूँगा, या यहीं से कट करके मैं इसको चेंज करूँगा। लेकिन यहाँ से फिर मैं देख रहा हूँ, यहाँ शायद बैटरी से कनेक्टेड है ये, और ये जो वायर जा रही है मुझे नहीं पता ये कैसे है। लेकिन जो मैं पिछली बार गया था तो वहाँ मिस्त्री ने कुछ किया था, तो मैं अभी इसको कुछ चेंज करके देखता हूँ। मैं इसको कुछ करूँगा नहीं, मैं बस ये जो 3 वायर जो यहाँ से आई हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से जो कनेक्टेड है, तो बस मैं यहीं से कट करके मैं उसको चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर है, ऑलमोस्ट मैं चेंज करके देखता हूँ। और हमारे पास सारे औजार भी अवेलेबल हैं। ये मैंने 24 रुपये में मंगाया था फ्लिपकार्ट से। सो यहाँ पर मेरी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, देख सकते हैं मेरी वाइट ड्रैगन थोड़ी ब्लैक हो गई है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ कुछ बच्चे थोड़े शैतान हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। ये जो जितने भी देख रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये सब दाग जो है जा नहीं रही है, शायद ब्लैक पेंट से होली के टाइम पे कुछ कर दिया गया। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट मोड पर, हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं कैसा ये लाइट रहता है। सो फाइनली मैंने यहाँ पर अपना लाइट यहाँ चेंज कर लिया है। पहले मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने वायर को थोड़ा अलग जोड़ कर देखा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसी टर्निंग पे यहाँ पर हो रही है तो ब्लू लाइट जल रही है, और नॉर्मल करने पे वाइट जल रही है। तो आगे करते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको रेड से रेड में ही वायर में जोड़ना है, आपको पहले
यहाँ पर वायर को ऐड करके यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि हाँ सही में ये कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है रेड में मैंने येलो ऐड किया है और ब्लैक में ब्लैक ही ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने जब चेंज करके देखा तो यहाँ मेरी लाइट सही काम कर रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सेम वायर को सेम कलर में जोड़ सकते हैं। तो सो फाइनली मैंने यहाँ लाइट चेंज कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अपनी गाड़ी को ऑन किया और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ वाइट कलर की लाइट जल रही है, और जैसे मैं यहाँ टर्निंग करता हूँ ब्लू और वाइट मिक्सिंग कलर जल रहे हैं। सो ये नाइट में बहुत काम की चीज़ है, अगर आप सुनसान जगह पर या कहीं भी अगर आप बाइक को चला रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करती है टर्निंग के समय में, या आपको आपका लाइट ख़राब है तो ये मैं नहीं बोलता हूँ लाइट ख़राब है तो आप लाइट अगर ख़राब है तो आपको बनवाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत काम की चीज़ है। हाँ इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाती है, क्योंकि ये शायद 12 वोल्ट की है, मेरे ख्याल से 12 वोल्ट पावर खींचती है, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह से आपकी ये साइड बार की लाइट ये जलेगी उसी तरह से ये साथ ही साथ ये जलेगी, देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये बैक थोड़ा देखने में थोड़ा यूनिक लग जाता है, तो मैंने इस तरफ की कर ली है और मैं अभी उस तरफ की करने वाला हूँ, तो चलते हैं।